Assalamualaikum. So welcome back to my another vlog. मानसेरा की ठंडी रातें. So we were on a tour. हमने खाना खाया तो हमारा हुआ मूड कि हम थोड़ा वॉक करके आते हैं. तो हम निकले बाहर और ये ना रोड ढलान पे थी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ थी. तो हम नीचे से ऊपर गए हैं पहाड़ से ऊपर ना. अच्छा जी, तो इट वाज़ अ गुड टूर अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, मतलब कि एक जो थी हमारी रिलेटिव उनका घर नीचे था, देन हादी लोगों का घर नीचे था, देन जो दूसरी हैं फूफो हमारी वो ऊपर रहती हैं, मतलब पहाड़ पे रहती हैं. तो वो जाने का रास्ता ना ये है. लेक हम शहर में नीचे आप देख सकते हैं ना, ये हम शहर में, अब हम ये ऊपर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे और शहर गांव की तरफ है, मतलब ऊपर का रास्ता गांव की तरफ है. ये जो है ना किंग कॉन्टिनेंटल, ये यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है. अच्छा जी, पूरे रास्ते में मैंने हल्का सा भी मौका नहीं छोड़ा कि मैं कोई जगह कोई स्पॉट कैप्चर ना करूं. क्यों? क्योंकि ये इतना हसीन है, मतलब जब यहाँ पर इन रोड से मैं जा रही थी ना, जाना आना मेरा हो रहा था, तो बस जब मुझे मौका मिल रहा है मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रही हूँ. क्योंकि ये इतना अच्छा है ना सब, बिल्कुल पता चल रहा है कि हम पहाड़, मतलब ऐसे 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 बिल्कुल स्नेक्स की तरह रोड्स पे जा रहे हैं. अरे हाँ, ये भी यूज़ हो सकते हैं ना. हाँ हाँ, यूज करते भी हैं बल्कि. हाँ वो देखो अंदर की तरफ. हाँ ये रे. हाँ अरे यार नाइस ना. तूत क्या? हाँ शैतूत का मुझे पता है. ये है पुदीने का सारा दरख्त तो नहीं है, पौधा लगा हुआ है. अच्छा मतलब ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि मैं कोई पिंड से आई हूँ कि मैं ये फल फूल को देखकर इस तरह उगा हुआ देखकर इतना एक्साइटेड हो रही हूँ. मतलब कोई देखेगा तो क्या ही बोलेगा कि कराची में मिलती नहीं है ये चीज़ें. मगर जो रियल में देखना होता है ना, वो एक अलग ही, मतलब अच्छा लगता है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है. और कोई है इसमें फूल फल कुछ? इनको इस तरह डिटेल में देखने का मकसद ही यही था कि क्या पता कुछ और भी होगा और मैं मिस कर दूँ. और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये इसको ग्राइंड कर रहे हैं और हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं. मैं नहीं, मैं तो दुल्हन हूँ बाकी सब. और इसी दौरान हमारा बाहर जाके थोड़ा सामान लाने का प्लान बना और एक सोलो टूर का हमारा ना माइंड बना. और ये अब हमारा खाना बन चुका जो हमारी शिवालय ने बनाया और बहुत बहुत यम्मी था. तो जब भी मैं ये इस तरह पेड़ वगैरह को देखती हूँ ना, मतलब हम नॉर्मली घर में गमले रखते हैं तो हमारे घर में मच्छर आ जाते हैं, ये होता है वो होता है, 10,000 चीज़ें और भी हो जाती हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव के लोग बहुत हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मतलब एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. और मुझे नहीं पता ये कौन सा फल है या क्या है, आई डोंट नो, मतलब मैंने पूछा भी नहीं, लाइक मैंने पूछा था बट मैं भूल गई ना. और ये जगह मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैं बता नहीं सकती, वजाहत नहीं कर सकती. कच्चे है ना? अच्छा मैं भूल गई हूँ क्या था, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये कौन सा फल है. एक फूल निकालें और लगाएं मेरे बालों में. तो यहाँ मेरे शौहर मेरी ड्रामेटिक फरमाइश पूरी करते हुए और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे अमरूद भी मिल गए हैं. यही ढूंढने का फ़ायदा था पता है. हाँ तो जब मैं पुप्पो की छत पर आई हूँ और मैंने ये अल्लाह ताला के कुदरत के मनाजिर देखे हैं, हसीन मनाजिर, तो मतलब मैं खो गई थी इनमें, मतलब लिटरली मैं खो गई थी. आई वाज लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, बस दिल कर रहा था रिकॉर्ड करती रहूं क्योंकि देख के दिल ही नहीं भरता इनको. मैंने ऐसा है कि हम ना पहाड़ पर हैं और लाइक ये पहाड़ है, ये ना मतलब ये पूरी ऊपर उठ जाती है और ये नीचे घर है और ये ऊपर का है और मतलब बहुत बहुत हम सारे घर पहाड़ों में हैं. हमें यहाँ स्नेल मिला है. स्नेल नाइस सॉफ्टी होता है ना. आजकल हमें बहुत से कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं यहाँ पर. आप इसको टच करेंगे? मैं मर के भी ना कुछ भी नहीं. देखो वो अंदर. अरे वो अपने अंदर जा रहा है. ओ माय गॉड, अंदर जा रहा है ना वो. तो वो इतनी छोटी सी जगह से कैसे निकला? तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा जो ये है ना, जो हमें सीपियां मिलती है ना समंदर में, वो सीपियों के अंदर होते हैं ना. फिर जब ये मर जाते हैं ना पानी के अंदर, जब ये मर जाते हैं तो ये निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इसकी सीपियां अलग हो जाती हैं. तो हमें सीपियां मिलती है ना जो. तो ये सो क्लैप फॉर माई एक्सप्लेनेशन. और ये मतलब
क्या बोले बंदा, छोड़ो जो भी है, पता तो चल गया ना स्नेल है। और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा ना मतलब उन वो होते हैं ना लड़कों के अंदर कुछ, तो ये उनके अंदर भी कुछ है, तो उन्होंने इसको करा और ये माशाल्लाह अंदर चला गया, छुप गया है ना, अपने आप को इसने प्रोटेक्ट कर लिया अपने शेल के अंदर। और ये देखिए किस तरह जहरीला अपना निकालेगा और ये काटेगा ना, पता चलेगा इनको। सामने लाइटेंगे, तो अभी हम अगेन नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि आदत नहीं है ना इतने इस तरह के सफ़र रास्तों पे चलने की। अच्छा जी, तो मैंने जो टनल का आप लोगों से जिक्र किया था वो ये टनल है, मतलब जब मेरा फर्स्ट व्लॉग है टूर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो मेन एक टनल बनी है बहुत ज़्यादा पहाड़ों को तोड़ के बनाई है वो ये है। और ये मेरा मतलब उस दिन तो मैंने सही से देखा नहीं था, बट आज मैंने सही से देखा है। और ऐसा है कि बोला है बहुत ज़्यादा कि थोड़ी डेंजरस भी है ये टनल। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं हरिपुर किसी को पिक करने के लिए, और ये जो मेरा सफ़र है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये मैं क्या जो मेरे साथ गए थे वो भी कभी नहीं भूलने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हम मतलब हमारे साथ में एक ट्रेजेडी हुई है, ट्रेजेडी नहीं बोलेंगे बट दरअसल सारा मसला ये है कि जो इस तरफ गांव की तरफ है, लाइक ये मानसेरा की रोड, एपटाबाद की रोड, ये जो हाईवे है, ये सब रोड ना बहुत सुनसान है, लाइक सुनसान नहीं मतलब अंधेरा है। इन्होंने इस पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई हुई, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे ड्राइव करने का, मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं है मतलब गलत बात है। अभी हम गए, अच्छा हमारा तो हमें डर ही इतना लग रहा था इस रोड पर जाते हुए कि मैं क्या बताऊँ भाई। हम एक जगह पर पहुँचे, वहाँ से जिस फैमिली रिलेटिव को हमने पिक करने जाना था उसका घर कब्रिस्तान, उसके घर के बैक साइड पे कब्रिस्तान है और वो जंगल के बीच से होता है, लाइक वो रोड थी बट हमें समझ नहीं आता कि वो रोड है। मतलब पंजाब की रोड्स ऐसी हैं कि लगता ही नहीं है कि वो रोड है, पूरी कवर होती है ना घास फूस में, सारा इधर उधर जो जंगल बना हुआ होता है उसमें कवर होती हैं। तो हमारा बहुत ही हॉरर मतलब ये रहा है एक्सपीरियंस जो मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम डरते डराते गए, सेफ गए और सेफ आए। और हमारा आज का मतलब आज का पूरा दिन हमारा ख़त्म हो गया और अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय, सी यू गाइस।